कबल अस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की कमान तब्दीली तकरीब में आदम शिरकत। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज के 17वें सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली है। जे एच क्यू रावलपिंडी में पाक फौज की कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, जिसके मेहमान खसूसी जनरल कमर जावेद बाजवा थे। इस तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्ला अफवाज के सरबराहान, सीनियर हाजिर सर्विस रिटायर्ड फौजी अफसरान की फैमिली समेत विफाकी सेक्रेटरीज भी शरीक हुए। अहम बात यह थी कि कमान तब्दीली तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कहीं भी नजर नहीं आए। दूसरी जानिब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के इस्तीफे से मुतल्लिक ज़राए का कहना है कि जनरल फैज हमीद ने तहरीरी इस्तीफा नहीं दिया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायर्ड होने से जबानी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की ख्वाहिश को कबूल कर लिया गया और कुछ दिन पहले उनकी कबल अज वक्त रिटायरमेंट हो गई है। खानदानी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले रहे हैं। याद रहे कि नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती के हवाले से हकूमत को जे एच क्यू से जिन 6 नामों की समरी मौसूल हुई, इनमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम भी शामिल था।